आज सागर और नरसिंहपुर जिले की कोविड संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। सागर और नरसिंहपुर के बारे में रिपोर्टिंग भी हुई। ऑक्सीजन की व्यवस्था सागर में और नरसिंहपुर दोनों जिलों में इस समय पर्याप्त है। 2 या 3 दिन का भी स्टॉक है, संतोषजनक स्थिति है। जहाँ तक इंजेक्शनों का सवाल है तो सागर में आज पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन आए हैं। जो भी आवश्यकता होगी उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। मेरा सभी से कहना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो, सारा प्रदेश अपना है, सागर जिला भी अपना है, नरसिंहपुर जिला भी अपना है। बगैर किसी भेदभाव के किसी मरीज को जो भी संक्रमित है कहीं भी जाना चाहे तो उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, कर भी रहे हैं। सागर के जो भी चिकित्सालय हैं प्राइवेट या शासकीय, उन सभी व्यवस्था कर रहे हैं, नरसिंहपुर में कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस तरह की बैठक करके जो समीक्षा आज हुई है, इस समीक्षा से यह है कि हमें मुख्यमंत्री को बताने का अवसर मिला और मुख्यमंत्री को उन्होंने जो बात की उसको हमें समझने का अवसर मिला। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बैठकों की उपयोगिता है और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे हम सब समस्याओं से पार पाएंगे। सर,